लगा दी और उसको कहते हैं कि हम फिर से व्यक्तिगत कानून पुनर्बहाल करेंगे, ये लोग सरिया कानून लागू करेंगे और कहते हैं कि हम लोग जनता की प्रॉपर्टी को हत्या करके ले करके उसके माध्यम से फिर उसका बंदर बांट करेंगे। बहनों और भाइयों, क्या आप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपनी संपत्ति पर डकैती डालने की छूट देना चाहते हैं क्या? अरे आपके बाप दादों ने कमा करके संपत्ति रखी है, देखो ना इन बेशर्मों की हालत। एक तरफ आपकी संपत्ति पर इनकी कुदृष्टि है और दूसरी तरफ माफिया और अपराधियों को अपने गले का हार बना करके कैसे उनके नाम पर फतिया पड़ रहे हैं, आपने देखा होगा इनके हाल को, देखा है ना, देखा है ना। और मैं यहां की जनता को तो धन्यवाद दूंगा, मैं 2017 में जब आया था यहां इसी महेंद्र खड़गवंशी के प्रचार में मैं आया था, यहीं पे सभा हुई थी 2017 में भी और 2022 में भी। और बहनों और भाइयों, तब 2017 में मैंने कहा था, कबीरदास जी ने एक बार कहा था कि अपने पुत्र के बारे में उन्होंने कहा था कि उससे छुटकारा पाना चाहते थे, उन्होंने कहा कैसा पूत कमाल। और आपने भी कबीरदास जी के वचनों को अंगीकार करते हुए महेंद्र खड़गवंशी को यहां से विधायक बना करके भेजा, बना के भेजा ना 17 में, 22 में भी आया ना। और देखो उन्होंने यहां पर विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया, विकास के कार्यक्रम, आश्रम पद्धति का विद्यालय हो, चीनी मिल के विस्तारीकरण का हो, और भी यहां के अन्य कार्यक्रमों को, विकास के कार्यक्रमों को लेकर के चल करके जो सपना कभी स्वर्गीय बाबू कल्याण सिंह जी का था, उस सपने को साकार करने के लिए महेंद्र खड़गवंशी चौधरी कंवर सिंह तंवर के साथ मिलकर के लगातार प्रयास करते रहे। बहनों और भाइयों, आप सोचो सरदेव कल्याण सिंह जी की भावनाओं के अनुरूप आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया है, बन गया ना, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया ना, अब कोई संदेह है क्या, अभी भी कोई संदेह है किसी को? और अब सोचिए जब कल्याण सिंह जी का देहांत हुआ तो समाजवादी पार्टी के लोग गए भी नहीं, अपमान क्या था इन्होंने स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि गरीबों के हकों पर डकैती डालने वाले आज मोदी जी के शासनकाल में 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है। क्या किसी का चेहरा देख करके राशन दिया जा रहा है? गरीब, दलित, वंचित, अति पिछड़ा, पिछड़ा, हर जाति का गरीब जो भी होगा उसको राशन मिल रहा है। और जो बचे होंगे उनके भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, कहा जा रहा है इसके बाद 100% सैचुरेशन की तरफ हम लोग चलेंगे, सैचुरेशन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो वंचित होगा सबको मिलेगा। 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा। और अब तो हमने ये भी व्यवस्था की है कि जिसके पास आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं बन पाया, मेरे पास, मेरा कोई विधायक, कोई पदाधिकारी या पीड़ित भी पत्र लिख देता है तो मैं उसके जनधन अकाउंट में सीधे लखनऊ से पैसा भेज देता हूं कि भाई उपचार करा लो, कोई समस्या नहीं, सरकार उनकी है। बहनों और भाइयों, मोदी जी ने 50 करोड़ गरीब परिवारों के जनधन अकाउंट खोल दिए। क्या कर रही थी कांग्रेस 60-65 वर्षों तक? समाजवादी पार्टी की 4-4 बार सरकार थी, क्या कर रहे थे लोग? मोदी जी ने 12 करोड़ परिवारों के घर में शौचालय बना दिए, 10 करोड़ गरीब महिलाओं को, 10 करोड़ परिवारों को रसोई गैस का फ्री में कनेक्शन उपलब्ध करवा दिया, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बना दिए गए,
चार करोड़ गरीबों के मकान बनाए गए और कहा है अभी 3 करोड़ और लोगों को मकान देंगे, 3 करोड़ अगले 5 वर्ष में, 3 करोड़ अन्य लोगों को, 3 करोड़ का मतलब 300 लाख। बहन और भाइयों, यानी हर व्यक्ति अभी से मकान पाने के लिए जो वंचित रह गया उसको भी मकान मिलेगा, इसका आश्वासन मोदी जी ने दे दिया। यही मोदी की गारंटी है। 2.5 करोड़ घरों में बिजली का कनेक्शन पहुंच गया। मोदी जी को तो 10 ही साल हुए, ये कांग्रेसी क्या कर रहे थे 65 वर्षों तक। समाजवादी पार्टी को 4 बार मौका मिला, क्या कर रही थी समाजवादी पार्टी। बहुजन समाजवादी पार्टी को भी मौका मिला, क्या कर रहे थे ये लोग, केवल लूट करके अपने परिवार का भर रहे थे। इनको गरीबों की चिंता नहीं थी। इंदिरा गांधी ने जो नारा दिया गरीबी हटाओ का, पोता भी तोते की तरह वही रट रहा है कि गरीबी हटाओगे, हटाएंगे और कट कैसे हटाएंगे, कह रहे हैं कि जिसकी संपत्ति होगी उसको हड़प लेंगे, फिर उसको हम लोग दूसरों को बांट देंगे, बंदर बांट कर देंगे। ये बंदर बांट इनका जो है ना, इसी के लिए हम लोग आए हैं। क्या जो मोदी जी करने में सफल हुए हैं, इसलिए सफल हुए हैं बहनों और भाइयों, क्योंकि मोदी जी को ताकत आपने दी है। 1 वोट की ताकत है ये, 1 वोट की ताकत आतंकवाद ला सकता है अगर गलत हाथों में जाएगा, और यह आतंकवाद को सीमा पार ही निपटा देगा अगर भाजपा को यह वोट जाता है तो। आज आप देख रहे हो ना, पाकिस्तान जो सफाई देता है वो एक ही सफाई देता है, कहता है कि भारत ने हमारे देश के सभी आतंकवादियों को एक एक करके चुन चुन करके मार दिया, तो क्या आतंकवादियों की आरती उतारेंगे क्या? यही तो करना है हम लोगों को। भाजपा को पड़ने वाला एक एक वोट आतंकवाद को सीमा पार ही निपटा देगा। आपको, आपका भाजपा को मिलने वाला एक एक वोट बेटी और व्यापारी को सुरक्षा की गारंटी दे देता है। कर्फ्यू से मुक्ति और कावड़ यात्रा को ले चलने की गारंटी भी दे देता है। बहनों और भाइयों, आपका एक वोट गरीब के जीवन में परिवर्तन ला करके, कांग्रेस के समय में गरीबी बढ़ी और मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यकाल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से मुक्त होकर के खुशहाल जीवन जीने के लिए